अधिकतर टीनेजर्स कॉलेज जाने का, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। उस उम्र में बिहार की प्रीति मरांडी ने अपने आसपास के बच्चों का जीवन सुधारने का जिम्मा उठाया। 19 साल की प्रीति आज करीब 25 बच्चों को खदानों से क्लासरूम में ला चुकी है। प्रीति परिवार के साथ बिहार के चकाई रहीमा गांव में रहती हैं। उनके पिता गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं, जिससे घर का खर्चा मुश्किल से ही चलता है। इसके बावजूद प्रीति आज 11वीं में पढ़ रही है और आगे चलकर टीचर बनना चाहती है। प्रीति के गांव के बच्चे पास की ही खदानों में माइका चुनने जाते थे। इनके माता पिता भी इसी काम से जुड़े थे। इन खदानों में कई बार हादसे होते, जिनमें कई बच्चों की जान भी जाती। यहाँ ना केवल बच्चे शिक्षा से दूर थे, बल्कि खदान में जाने से जान का जोखिम भी था। 10वीं में पढ़ रही प्रीति ने इनका जीवन बेहतर बनाने की ठानी, मगर बच्चों के पेरेंट्स को मनाना एक बड़ी चुनौती थी। किसी को पैसे का लालच था तो कोई इस बात से डरता था कि बच्चा पढ़ेगा तो कॉपी किताब पर खर्चा होगा। तब प्रीति ने उन्हें समझाया कि वे खर्चे की चिंता ना करें, बस बच्चों को स्कूल भेजें। धीरे धीरे पेरेंट्स मानने लगे। आज एक साल बाद ये बच्चे गांव के नवीन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने लगे हैं। स्कूल के बाद प्रीति 2 से 5 बजे तक इन्हें अलग से पढ़ाती है। प्रीति का कहना है कि बच्चे पढ़े लिखे और परिवार का सहारा बने, पढ़ेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि सच करीब से दिखता है।